गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये वही परमात्मा है जो हम सबके कुल मालिक हैं। ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। उसी परमेश्वर की असीम रजा से पुण्यात्माओं को ये सत्संग उपलब्ध हो रहा है। सत्संग के अभाव से ये प्राणी अपने मूल उद्देश्य को ना समझकर अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर जाता है। यहाँ का जो प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, जिसको सर्वपुरुष, सर्वपुरुष मीन नाशवान प्रभु, सर्वब्रह्म भी बोलते हैं, सर्वब्रह्म। हम अपनी संत लैंग्वेज में परमात्मा कबीर जी की वाणी में इसे सर्वब्रह्म बोला है। क्षर ब्रह्म माने नाशवान प्रभु, अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म है, वैसे अक्षर ब्रह्म बोलते हैं अविनाशी परमात्मा को। लेकिन यहाँ तीन प्रभु हैं, तीन स्वामी हैं मुख्य तौर पर। एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को दूसरे शब्दों में सर्वब्रह्म को, सर्वपुरुष को, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उनकी बुद्धि का सतर, उनके अध्यात्म ज्ञान का सतर इस ब्रह्म तक ही पहुंचा। जबकि हमारे सदग्रंथ प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, वो ब्रह्म वेदों का ज्ञान देता है, ब्रह्म ही गीता का ज्ञान देता है। वो ब्रह्म कह रहा है कि वो परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में, मंत्र नंबर 17 में, यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं और 40वें अध्याय का 17वां मंत्र लास्ट मंत्र है, यानी यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है। उसमें स्पष्ट किया है कि ब्रह्म कह रहा है कि मैं तो ऊपर ब्रह्म लोक में रहता हूं और मेरा ओम नाम है, और वो परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है। तो पुण्यात्माओं, ये ऋषि महर्षि वेदों को समझ नहीं सके, इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं, जिन श्रद्धालुओं को इस दास का सत्संग सुनते बहुत समय हो गया है, उनके हृदय में ये सच्चाई स्वीकार हो चुकी है कि
कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त या उस परमेश्वर से परिचित उन महान आत्माओं को छोड़कर और वर्तमान में इस दास को छोड़ के, और इस दास से प्राप्त ज्ञान के तो अब कहना ही क्या है, तो लाखों की संख्या में परमात्मा की आत्माएं जागेगी, अन्यथा इस विश्व में किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं, गीता जी का ज्ञान नहीं, पुराणों का भी ज्ञान इन पुराणों के पाठकों को नहीं, और बाइबल के पाठकों को बाइबल का ज्ञान नहीं, कुरान शरीफ के पाठकों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं। इस दास के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि जो पाठक, जो पुण्यात्मा जिस भी सदग्रंथ पर आश्रित हैं वो उसी से अपरिचित है, और यदि वो इससे परिचित होते तो दास दो मिनट में समझा देता उनको। जैसे एक समय उदयपुर के अंदर हम सत्संग कर रहे थे, 4 दिवसीय सत्संग था, वहां एक बहन, उसको गीता जी के मंत्र श्लोक कंठस्थ याद थे और वो व्रत रखा करती 16 शुक्रवार के और एक और सोमवार के, बिरानी बृहस्पतिवार के कैसे रख रही थी, और सत्संग सुना, सत्संग के बाद वो नाम लेने के लिए उद्धत हुई, उसको नियम बताने लगे तो वो मना कर गई, कहने लगी मैं तो व्रत अवश्य रखूंगी, व्रत नहीं छोड़ सकती। तो उस समय वो मेरे पास लेकर आए भक्त कि जी ऐसे ऐसे इस बहन की प्रॉब्लम है, और बहुत अच्छी आत्मा है, ज्ञान से प्रभावित है। फिर मैंने उससे कहा बेटी तू कौन से ग्रंथ को सत्य मानती है, पुराण को या गीता जी को? कहने जी गीता जी को मैं डेली पाठ करती हूँ। मैंने कहा कि 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये स्पष्ट लिखा है कि अर्जुन यह साधना, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल खाने वाले का, अर्थात व्रत रखने वाले का, ना अधिक जागने वाले का ना अत्यधिक सोने वाले का सफल होता है, यानी इनका सफल नहीं होता, न तो बिल्कुल ना खावे। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का व्रत रखा करता मंगलवार का, अब मंगलवार तो याद रह जाया करता, फिर सारा दिन रोटी याद रहा करती कि इस समय 12 बजेंगे, जो छोटी सी उम्र में लग गए थे, भूख सहन होती नहीं थी, नो देखा करते छाँ की छी जाली, घड़ी भी ना आया करती जब तक। तो उस बहन ने मेरे बोलते ही बता दिया कि मैं 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ऐसा लिखा, हाँ जी ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। फिर अब पढ़े गीता जी ने और साधना करी गीता जी के विपरीत, तो गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में यह भी कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। वह कहने लगी हाँ जी ऐसा ही लिखा है। अब उसको समझाना आसान हो गया, वह तुरंत मानेगी। मैं फिर गीता जी को फाइनल मानती है, सत्य मानती है, जिसके विपरीत साधना करना तेरा कौन सा उद्देश्य है, फिर भगवान के विधान के विरुद्ध कर रही है। तुरंत त्याग दिया, उपदेश ले लिया। तो यदि ऐसे कोई उसको याद भी है मैं कहां के लिख रखा है, तो 2 मिनट में समझा दे, और वो समझने वाला जिसने भगवान चाहिए वो मान जाओगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसने स्वयं आकर के ये ज्ञान दिया है कि ये 3 प्रभु विशेषकर हैं। एक ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये इसके पुत्र हैं। दुर्गा यानी देवी
ये इस ज्योति निरंजन सर पुरुष सर्वब्रह्म 21 ब्रह्मांड के स्वामी की पत्नी है और वेदों में इसने अपना भी ज्ञान दिया है लेकिन विशेषकर परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है। अब तीन प्रभु कौन कौन से हैं? एक सर्वब्रह्म जिसको सर्व पुरुष भी बोलते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। दूसरा अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। वैसे तो अक्षर बीन अविनाशी होता है लेकिन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में ये बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है तीनों प्रभुओं की स्थिति। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुष यानी दो प्रभु बताए हैं, एक सर्पुरुष एक अक्षर पुरुष, और इन दोनों को तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको नाशवान बताया है। अब अक्षर पुरुष, अक्षर माने अविनाशी, लेकिन फिर भी इनका नाश बताया है श्री मद भगवत गीता। और जीवात्मा तो अविनाशी, चींटी की भी है, मनुष्य की भी है, जीवात्मा अविनाशी होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत फैसला कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वास्तविक प्रभु, श्रेष्ठ परमेश्वर, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जो परमात्मा है वो तो कोई अन्य है। 16वें श्लोक में वर्णित दो प्रभुओं सर्पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, अन्य है, और वही ये लोक त्रयम् आविश्य विवृति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान अवै ईश्वर, अविनाशी परमेश्वर। तो पुण्यात्माओं, इन तीनों प्रभुओं की स्थिति कैसी है? सर्वपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नाशवान है, ये स्वयं गीता ज्ञान दे रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल भी कहलाता है। गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन देख रहा है उसके विराट रूप को, काल के रूप को देख रहा और कह रहा है कि प्रभु आप तो ऋषियों को भी खा रहे हैं, देवताओं को भी खा रहे हैं, और वो आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपसे याचना कर रहे हैं, हमें बख्श दो, मंगल हो, मंगल हो, आप तो उनको भी खा रहे हो। तब ये कहता मैं तो काल हूं भाई, सबको खाने के लिए आया हूं, और तू ना लड़ेगा, युद्ध नहीं करेगा तो भी मारूंगा इनको, इसलिए तू नियमत बन जा, इसी में तेरी भलाई है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये न तो देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्माओं, पिता के जन्म डेट ऑफ बर्थ को संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकता है। तो ये कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, ये मेरे से उत्पन्न देवता ऋषि। इससे सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञानदाता नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है, वो अलौकिक कैसे है इसको डिफाइन करेंगे। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये ना जान के हम और तुम और ये राजा लोग अब केवल अभी उत्पन्न हुए हैं,
तेरे और मेरे और इनके पहले भी जन्म हुए, पहले भी हम थे, आज भी हैं, आगे भी जन्म होते रहेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि ये नाशवान है, ये भी जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है। कौन? 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, सर्वपुरुष, सर्वब्रह्म, जिसमें जिसके लोक में हम रह रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो श्री भगवद गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 में कहा है, दो पुरुष, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष जो इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये सात शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख, ये सात शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत ज्यादा है, जिस कारण से इसको अक्षर पुरुष कहने लग गए, लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष नहीं है, ये चिर स्थाई है लेकिन अविनाशी नहीं है। और तीसरे नंबर का जो परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि गीता ज्ञान दाता से कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस ब्रह्म को जानकर आध्यात्मिक पूरे आध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति फिर जरा और मन से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो गीता में अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इति सिद्धम के वो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमेश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपने बारे में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, इससे तो मुझे प्राप्त होगा। अपने मंत्र की जानकारी बताते हुए कहते 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तो जंदे हम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम के जाप से मिलने वाला जो लाभ है उस सतर की परम गति को प्राप्त होता है। यदि ब्रह्म की साधना ओम मंत्र से है, ओम का जाप, ब्रह्म का जाप करने वाला साधक ब्रह्म लोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये सभी प्राणी पुनरावृत्ति में हैं, इनकी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी, उसकी जानकारी 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित वाणी में विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देंगे। फिर बताया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, उस सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना, उसके पाने का मंत्र, उसके पाने की विधि ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ओम तत् सत इस मंत्र का निर्देश माने फाइनल फैसला है, नथिंग एल्स। ब्रह्मणे यानी सचिदानंद घन ब्रह्म का ये ओम तत्सत नाम है, मंत्र है,
और त्रिविधय समर्थ, इसको तीन प्रकार से इसका सिमरण होता है। जिन पुण्यात्माओं को सारनाम प्राप्त हो गया है उनको इन तीनों मंत्रों की जानकारी है और उनका सिमरण विधि भी तीन ही प्रकार से होती है। गीता ज्ञानदाता आठवें अध्याय के पांच और सात में तो अपने विषय में बता रहा है कि मेरी साधना करेगा वो ओम नाम से तो मुझे प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर आठ नौ दस में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म देव परम पुरुष के बारे में जानकारी दी है कि उसकी भक्ति यदि करेगा, उस परम संत से जानकारी लेकर, तत्वदर्शी संत से जानकारी लेकर, और वो तीन मंत्र का जाप बतावेगा। ओम तो ये ब्रह्म का है और तत् ये परब्रह्म कहो अक्षर पुरुष कहो उसका है, और सत ये सांकेतिक है, तत् भी सांकेतिक है, सीधा मंत्र नहीं है, गुप्त है। और वो सत जो है वो परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, वो गुप्त है, सांकेतिक है। वो ये दास ही बताओगा क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही उसकी वे ऑफ वर्शिप बता सकता है। ये गीता जी भी प्रमाण देते हैं और पवित्र वेद भी बताते हैं। तो ओम तत् सत इसकी तीन प्रकार से सिमरण होता है। तो आठवें अध्याय के गीता जी में आठ नौ दस मंत्र में कहा है कि उस परमात्मा की जो भक्ति करता है, जो सबका संचालक है, सबका उत्पत्ति करता है, सूर्य के सदृश जो तेजो में है, सूर्य के सदृश आदित्य वर्णम, अपने आत्मा भगवान को निराकार बतावे और सूर्य के समान फिर वो तेजो में बतावे और कहे भगवान का प्रकाश देखा, भगवान नहीं देखा जा सकता। अब सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा, जब सूर्य के तुल साकार हुआ वो, तो इस प्रकार ये अज्ञान की अविद्या की गांठ बंध गई थी सबके हृदय में, परमात्मा ने दया करी अपनी पुण्य आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान दिया। तो गीता ज्ञान दाता कहता उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करने वाला उस परमात्मा को भक्ति की शक्ति से प्राप्त होगा, भक्ति बल से यानी साधना की कमाई तय उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर छह में कहा कि एक विधान है ये कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है अंत समय में भी वो उसी से प्रभावित और उसी में आसक्त रहता है। अब यदि मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में आसक्त रहेगा, मुझे ही प्राप्त होगा, जहां आशा ता बासा होई मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और उस परमात्मा की भक्ति करेंगे तो उसमें आस्था रहेगी तो उसको प्राप्त हो जाएंगे। जब हमारा हृदय यहां से कति हट जाएगा, इस ज्ञान आधार से हमें यह पता लग जाएगा कि ब्रह्म और परब्रह्म की साधना से हमारा ये दीर्घ रोग नाश नहीं हो सकता जन्म और मृत्यु का। अब इन भगवानों की किस प्रकार ये नाशवान है, इनको अविनाशी कहकर भी ये नाशवान बताए गए हैं। सर्व पुरुष को, अक्षर पुरुष को इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक ये मिट्टी का कप होता है, प्याला चाय पीने का, अब इसका तो सबको पता है, अंडरस्टूड है कि हाथ में से छूट गया और पक्के फर्श पर गिर गया, टुकड़े पांच हो जाएंगे, यानी ये तो सर्वपुरुष समझ लो। ऐसी स्थिति तो इस मटेरियल की समझो जो ब्रह्म और इसके अंतर्गत प्राणी है। और दूसरा जो अक्षर पुरुष है, अक्षर माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी, इसको समझो ये सटील का कप है, सटील का प्याला है। अब सटील का कप अगर हाथ से गिर जाता, यदि
पक्के फर्श पर टूटता नहीं, वो यूं का यूं रह जाता है। लेकिन उसका भी विनाश होता है, समय अधिक लगता है और एक समय आने पर उसमें जंग लगकर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। विनाश होता है लेकिन वो समय बहुत घना, उस मिट्टी के कप जिसको चीनी का कप बोल रहे हैं उसकी तुलना में वो स्टील का कप चिर स्थाई है, अविनाशी महसूस होता है लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है। और सोने का कप, एक सोने का कप हो उसको जंग नहीं लगता, वो चिर स्थाई, वो वास्तव में अविनाशी है। तो ये सतीथि फॉर एग्जाम्पल है। अब इनकी आयु से परिचित कराते हैं। जैसे ब्रह्मा जी रजगुण काल का पुत्र, ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी ये तीनों नाशवान हैं। पुणात्मा पवित्र हिंदू समाज के गले या बात जल्दी से उतरती नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, लेकिन ये गले उतारनी पड़ेगी और उसके लिए हमने वो क्या कर शुगर कोटेड ये टेबलेट बना रखी है, अभी दिखाते हैं। अब सबसे पहले तो ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों नाशवान हैं, फिर बाकी भगवानों को किस अतिथि समझने में कोई भी समस्या प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा श्री देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं और इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये तीसरा स्कंद, वही देवी भागवत। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में उसकी महिमा गा रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, वह प्रकृति और सनातनी देवी। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी के 14वें अध्याय में जब इनकी उत्पत्ति दिखाएंगे आपको समझ में आओगे। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। पुण्यात्मा इसमें चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि ये दुर्गा इनकी माता है, ये इनके इसके पुत्र हैं। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये नियमित कार्य करने में तत्पर रहते हैं, वर्क डन ही दे सकते हैं, ये दुखी को सुखी नहीं कर सकते, ये किसी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब समझिएगा इनकी आयु, श्री ब्रह्मा जी की आयु ऐसे है जैसे चार युग की एक चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसमें 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युगी में, और ब्रह्मा जी की का एक दिन 1,000 चतुर्युग का माना जाता है।
वैसे यो 1008 चतुर्युग का है, लेकिन इतनी लंबी पीरियड हो गया, इसमें लंप सम्प ले लेते हैं। 1000 चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु जी की आयु 700 वर्ष, ऐसे बने हुए वर्ष, और श्री शंकर जी की विष्णु जी से 7 गुना अधिक यानी 4900 वर्ष श्री शिव जी की, शंकर भगवान की आयु, इन तीनों की ऐसे मृत्यु होगी। और 70,000 बार जब ये त्रिलोकीय शिव, ये काल का पुत्र तमोगुण शिव की मृत्यु हो लेगी, तब एक बार मृत्यु होगी इस काल की ब्रह्म की, जो एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक के ऊपरी छोर में रहता है, सरोपरी छोर पर रहता है, और वहां भी ये तीन रूप धारण करता है, एक रूप ब्रह्मा जी का, दूसरा विष्णु जी का, तीसरा शिव जी का। वहां जब ये शिव जी रूप में रह रहा है, वहां जब शिव रूप में इस काल की सदा शिव काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी, उस समय 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव मर लेंगे। और फिर इसका जन्म कैसे होता है, दुर्गा की भी मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। ये फिर सारे के सारे प्राणी यहां के ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और परमेश्वर कबीर जी के वचन अनुसार इनको वचन दे रखा है, इनको एक ऐसी आशीर्वाद दे रखा है कि दुर्गा और इसके काल का दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही युवा शरीर बन जाता है, इसका अपने आप प्रकट हो जाते हैं, दोनों का जन्म हो जाता है, और ये युवा होते हैं, फिर ये उसी प्रकार कुछ मैथुन तरीके से सृष्टि की रचना करते हैं, और कुछ दुर्गा अपने वचन से उत्पत्ति करती है। ऐसे फिर दूसरे ब्रह्मांड में ये सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, जो एक बार एक ब्रह्मांड का विनाश होता है, 70,000 बार त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक युग होता है किसका, इस परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक स्वामी पुरुष है, और इसकी 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात, ऐसे बने हुए युग की 1000 युग की नोट, चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन और रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है किसकी, अक्षर पुरुष की, और फिर इसकी मृत्यु होगी। ओहो, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको न तो तत्वदर्शी संत मिले और ना वो सतगुरु मिले। सतगुरु लग्या न कान न भेंटे संतरे। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा भी जन्म होता है, तेरे भी जन्म मृत्यु होती है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। जन्म तो ऐसे अलौकिक है कि यहां इसकी मृत्यु होगी, दूसरे ब्रह्मांड में जाते ऑटोमेटिक ये युवा रूप में उत्पन्न हो जाता है,
उस परम अक्षर ब्रह्म के आशीर्वाद अनुसार है। और कर्म कैसे अलौकिक है, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह और सारा नाश करा गया, यह बोल के गीता डरा के श्री कृष्ण को और युद्ध करवा दिया। श्री कृष्ण जी भी नाटे, अर्जुन भी नाटे, अर्जुन को डरा कर श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने जो खा दी भयंकर रूप, और उसके अंदर जब तक श्री कृष्ण में प्रवेश रहा तब तक प्रवेश रहा जब तक महाभारत गति सारा नाश ना हो गया, फिर उससे निकल गया। इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक हैं। पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना बहुत आसान है, लेकिन हमारे हृदय में जो पहले का ज्ञान समाया हुआ है वो कोरा अज्ञान है, वो इस यथार्थ ज्ञान को अब टिकने नहीं देता कुछ दिन। लेकिन इस ज्ञान में इतना वजन है, ये अपने आप स्थान बनाता चला जाएगा और वो अज्ञान आपका बाहर निकल जाएगा। पुणात्मा, मनुष्य जीवन इस प्राणी को केवल परमात्मा पाने के लिए ही प्राप्त हुआ है। आज दिन के सत्संग में आपको बहुत से ऐसी घटनाओं से परिचित कराया गया कि यदि आप बहुत गहराई से सोचोगे तो आप जी का मन अपने आप भक्ति को ग्रहण कर लेगा। इस मन को जब हम यहाँ के यथार्थ कष्ट से और यथार्थ स्थिति से परिचित करा देंगे तब इस मन की जो दिशा है वो बदल जाएगी और इसकी गति बहुत तेज है। फिर ये परमात्मा की भक्ति भी इतनी ही स्पीड से करेगा जितनी स्पीड से यो बकवाद करता है। अब ये आत्मा को भ्रमित रखता है, आत्मा को ये कष्ट देता रहता है, डराता रहता है, तेरा नुकसान हो जाएगा, तुझे ऐसा लाभ हानि हो जाएगी, तू वहां से गया तो देवता छोड़ दिए तो तुझे ऐसे हानि हो जाएगी। इन देवताओं के पूजते पूजते सर्वनाश को प्राप्त हुआ। कल आज सुबह एक परिवार का आपको उदाहरण दिया था और एक नहीं असंख्य परिवार हैं जो इन देवी देवताओं की पूजा करते करते विनाश को प्राप्त हो गए। और इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद यदि आप मर्यादा में रहोगे और सच्ची लगन लगाए रखोगे, इस काल का अटैक आप पर हो नहीं सकता, ये दास गारंटी दे सकता है। यदि आपने परिवार की सुरक्षा भी चाहिए, आपने या जीवन का सत्र भी ठीक चाहिए, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं जैतन राज पाठ भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। यदि तुझे डड़े ढोण की आदत ही है और यहां की तन राज पाठ चाहता है तो वो भी हम दे सकते हैं, तेरे भाग में ना होगा तो भी लिख देंगे, लेकिन हम साथ में इनके इसके अवगुण भी बता रहे हैं। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुके सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। कहते तू यहां इस झूठे लोक में क्या यश प्राप्त करना चाहता है, यदि तू चाहता मैं एक कोठी बढ़िया बना लूं मेरी महिमा हो जाएगी, एक लंबी कार ले लूं लोग देखेंगे मेरे कान्या, ये लोग तो उस दिन भी देखेंगे जब तेरी चटनी हो जाएगी एक्सीडेंट में, वो भूल गया तू। हम नो भूल कर गलती करते हैं और परमात्मा में याद दिलाई जाती है कि ये महापुरुषों ने हमें उदाहरण दिए हैं, ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क जीवनानु केड़ा हासावे। अब हम इतना ज्ञान समझते हैं, इतना ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया और इस दास ने भी कसर नहीं छोड़ रखी आपको टू दी पॉइंट उदाहरण दे दे के आपके हृदय में इसी चोट मारी जाती है कि ये वज्र जो आपके अंदर जमा हो गया अज्ञान
ये हट जावे तब ये भक्ति प्रवेश होएगी। आप प्रतिदिन देखते हो कैसे दुर्घटना में एक परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे यक्त बिल्कुल भी नहीं दृढ़ बनता कि यह बात तो हमारे साथ भी कभी हो सकती है। सपने में बिना याद आती है बातें, तो ये जब तक याद नहीं आवेंगी या लल्लो पत्तों की भक्ति है आपकी, ठीक है जैसा कर रहे हो इसका फल अवश्य मिलेगा लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओगे। और पुण्यात्माओं, यहां जो प्राणी आता है उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए, और बाकी क्या संसारिक सुख तो भगवान कोई बालक नहीं, उसको पता है। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन और थिएटर में आप आ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अब उसने सारा पता है इस मरीज को किस समय के आहार देना है और के इसको आवश्यकता है किस वस्तु की, कैसी टेबलेट इसको देनी है। तो जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, उस परमेश्वर को हमारा सारा ज्ञान हो है कि इसको किस चीज की आवश्यकता है। पुण्यात्मा, जिस श्रद्धालु ने 2 वर्ष 3 वर्ष इस परमात्मा के चरणों में लगे हो चुके हैं, वो खूब परिचित है इस मालिक की महिमा से। एक नहीं वो 20-20 गुण गिना देगा उस मालिक के कि मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया। जो आम जनता को बताओगे तो वो मानने को ना आपने झूठा बताएंगे, लेकिन परमात्मा ऐसी लीला किया ही करते हैं। तो फिर आपने फिर डर कैसा, फिर आप जब परमात्मा की शरण में आ ही गए हो तो मोक्ष उद्देश्य रखना। साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे हैं अतिथि न भूखा जावे। इससे अधिक डिमांड करना फिर करता है जो पुरानी, तो उसको ज्ञान नहीं भक्ति का, अभी तक वो बालक ही है। कोई बात नहीं, चलते रहो। अब यहां प्राणी अत्यधिक 60% कहूं या 80% कहूं, वो प्राणी आते हैं जो कति दुखी और सारे तो छक लिए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, देवी देवता ने देही तोड़ ली, तब यहां आते हैं। और उनका उद्देश्य केवल सुख ही प्राप्त करना होता है, संकट निवारण कराना ही होता है, बहुत अच्छी बात है। यहां तो ये फ्री में होगा आपका, ये तो फ्री में होगा, ये तो हम सौदा ही नहीं करते, ये तो हमारी दुकान में यो तो वैसे दिया करा फ्री में। और हम वास्तविक जो सौदा करते हैं, जो माल बेच रहे हैं, वो तो मोक्ष रूपी हीरा है। उसके साथ अन्य छोटे मोटे आइटम वैसे दे दिया कर ग्राहक को, ये इतनी कीमती चीज बेचने वाला, तो आपको जो सुख यहां का सुख चाहिए ये तो फ्री में देंगे, औरों से गणा देंगे। वो तो आपके प्रारब्ध में संकट को भी निटाल सकता है या संकट टलेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म एक श्वास नहीं बढ़ा सकता एक भी। जैसे भक्त प्रसन्न करते हैं प्रारंभ में, जब ये दास भी इस मार्ग पर लगा मन में संशय आया करती थी कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आर्य से 2 भाग कराकर उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जीवित कर दिया। तो भक्त प्रसन्न करता है कि क्या वो भगवान नहीं जिन्होंने इतना चमत्कार दिखा दिया। पुण्यात्माओं, ये नहीं कहा कि इनमें कोई पावर नहीं है, ये भी स्वामी हैं, मालिक हैं, भगवान हैं। इनकी क्षमता से आप परिचित हो जाओगे तब ये बातें मन में ना आवे। अब श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र तावर ध्वज को जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो चक्रव्यूह में मृत्यु को प्राप्त हुआ। पांडवों की और संतान भी नहीं थी, कुलनाश हो रहा था, और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडवों में हाहाकार मचा था,
श्री कृष्ण की आंखों में आंसू टपक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि उसका प्रारब्ध अभिमन्यु की आयु मनुष्य की इतनी ही थी, आगे श्वास शेष नहीं थे, और मोरध्वज के पुत्र तामरध्वज की आयु शेष थी। उसको मार कर जीवित कर देना इन भगवानों के लिए बहुत आसान है, यो तो एक जादूगर कर देता है ऐसे ऐसे कार्य। तो पुण्यात्माओं, तब हमें यह समझ में आएगा कि वो परमात्मा आयु भी बढ़ा सकता है। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति को, एक राजा को किसी ऋषि ने बताया कि आपकी आयु केवल 5 दिन की शेष है। वो चिंतित हुआ, भगत आदमी था। उसने ऋषि जी से कहा कि ऋषि जी, कोई ऐसा उपाय बताओ मेरी आयु बढ़ जावे, मैं केवल भक्ति करूँगा, मेरा उद्देश्य भक्ति होगा, मैं और किसी राजकाज में या कोई संसारिक लाभ के लिए भक्ति नहीं करूँगा। ऋषि जी ने कहा कि चलो भगवान ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा जी के सामने प्रार्थना की ऋषि और उस साधक ने कि भगवान ये ऐसे ऐसे कुछ आयु चाहता है, इसकी आयु 5 दिन की शेष है और इसका उद्देश्य केवल आयु बढ़वाने का, भक्ति करना है, परमार्थ है। अब ब्रह्मा जी बोले भी बात तो ठीक है, हम चलते हैं विष्णु जी के पास चलते हैं, क्योंकि वो ही कर सकते हैं, वो सती थी का उनके पास ही है, रोजी रोटी वही देते हैं सबको, अब वो ही बता, वही कुछ एक्सटेंड करेंगे, तो उनसे चलते हैं। विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी को बता। विष्णु जी ने कहा भी मैं तो जितना जिसका संस्कार है इतना मैं दे सकता हूं, इससे कम बत्ती मेरे बस का करना को नहीं। भगवान शंकर के पास चलते हैं, वो संहार करते हैं, शायद वो रहम कर दें। तब शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी ने कहा भी मेरे पास तो जब आदेश होता है, जितने जिसका समय आता है उसी को मार सकता हूं, इससे आगे पीछे मैं नहीं कर सकता, एक श्वास भी नहीं घटबड़ सकता। फिर उन सभी ने मिलकर स्कीम बनाई कि धर्मराज के पास चलते हैं, उसके पास अकाउंट होता है, धर्मराय के पास। अब उस धर्मराज के पास गए, उस 5वें दिन पहुंचे, इतना ये ऐसे मीटिंग होती रही इनकी, 5वें दिन या 3रे दिन जैसा भी था। तो वहां पहुंचे तो धर्मराज से कहा कि धर्मराज, ये तीनों भगवान पहुंच गए और ऋषि और साथ में वो एक्सटेंशन करवानिया भी साथ था। धर्मराज से कहा कि धर्मराज, इस व्यक्ति की प्रार्थना है कि ये कुछ आयु एक्सटेंशन चाहता है, बढ़वाना चाहता है, उद्देश्य इसका यह है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, ये कोई स्वार्थवश नहीं चाह रहा। अब धर्मराज ने निकाल ली वा भाई उसका अकाउंट। अब धर्मराज ने देखा कि यू आदमी तय, इसके संस्कार में लिखा हुआ था उस प्रारंभ में कि मेरे दरबार में इसकी मृत्यु हो, धर्मराज के दरबार में मृत्यु होगी, और उस समय ब्रह्मा विष्णु और महेश और वो ऋषि साथ में उपस्थित हों तब इनकी मृत्यु हो। तो धर्मराज ने जब टिटवी दाब दी, उसकी सांस पूरे हो गए थे, वो मार दिया, वहीं मर गया 1 सेकंड में। अब विष्णु जी ने तो निकाल लिया सुदर्शन चक्र और शंकर भगवान ने काट लिया त्रिशूल। कहने लगे धर्मराज, तने इतनी भी शर्म नहीं रखी हमारी, हम तेरे पास आए हैं, हमारी पूरी अर्ज तो सुन लेता, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ तो लाज रखता हमारी। धर्मराज कहने लगे भगवान, अब मारो चाहे छोड़ो, मैं भी पराधीन हूं, इसके प्रारब्ध में ये लिखा हुआ था कि मेरे दर, ये देख लो भाई दिखा दी, कि धर्मराज के दरबार में इसकी मृत्यु हो और ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि यहां पर उपस्थित हो तब इसकी मृत्यु हो। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया, यहां ले आए इस नराप आगे।
अब देख कर भाई न वो तीनों के हथियार नीचे हो गए। धर्मराज ने कहा कि एक काम करो, एक काम कर सकता हूं, आप अपनी आयु दे दो इसको, तुम सा देना चाहता मैं इसकी उम्र बढ़ा दूंगा। अब अपनी का नंबर आओ जो कोई ना बिरानी आगे में चला करे, तीनों खिसक गए। गेल ऋषि जी साथ ही साथ वो पड़ा मरा वहीं पर था। तो पुण्यात्माओं, मासा घटे ना तिल बध है, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेठ के ऊपर मार दे मेख। जमजोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। तो पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, और फिर देखना राम रंग की ओरी, इस भगवान के रंग में कितनी खुशी आपको होगी। और कभू ना हो आकाज, कहीं कभी भी आपका आकाज नहीं होगा, आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होगी, यदि आप मर्यादा से सच्ची श्रद्धा और लगन से लगे रहे। काल जो पीसे पीसना जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। गरीबदास साहेब जी आंखों देखा भगवान कबीर जी की समर्थता को बता रहे हैं कि ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल, ये तो मेरे भगवान का काल जो पीसे पीसना यानी चक्की पीसता है, उदाहरण समझो कि ये मजदूर है उसका। और ये जोरा जो मृत्यु है, ये परमात्मा कबीर जी की पनिहार माने पानी भरण वाली, पहले जिस समय ये वाणी बोली थी उस समय जल कुओं से भर भर के लाया करते, नौकरानी भरा करती राजाओं के जल। तो कहते हैं काल जो पीसे पीसना जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता और पगरज डरे शीश। ये काल डरता है परमात्मा कबीर जी से, और जय 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 जगदीश उसकी जय जयकार करता है, और ये मौत परमात्मा की जूती झाड़ती है यानी उसकी नौकरानी है, और उसके आदेश बिना यह परमात्मा के भक्त को टच नहीं कर सकती। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार आप जी इन भगवानों की सतीति से परिचित हो जाओगे, उस समय आप जी की आस्था इन भगवानों में कैसे रह जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञानों में ऐसी आस्था रह जाएगी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।